हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात में कब्रिस्तान जाकर बता दिया कि तुम भी कब्रिस्तान जाओ, ईद में तो तुम जिंदों से मिलते हो और शब बारात में अपने मुर्दों को फरामोश ना करना, तो कब्रिस्तान जाएं। फातिहा पढ़ने के बाद कब्र के पास दो मिनट ठहरिए और सोचिए कि ये मेरा दोस्त था, मेरा रिश्तेदार था, आज ये कब्रिस्तान में यहाँ मौजूद है, कल मुझे भी यहाँ आना है। इस तरह की गौर फिक्र करें ताकि हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आए, वरना हम हंसते मुस्कुराते कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं और हंसते मुस्कुराते ही बाहर निकल आते हैं।